हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राधे। और कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल बाके बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। और आज का जो ब्लॉग है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। क्योंकि ना, ऐसी तपती हुई गर्मी में हमारे यूपी में हम लोग तो गर्मी में सड़ रहे हैं, लेकिन गुवाहाटी का जब आप व्यू देखोगे ना, तो आपकी तबीयत बिल्कुल खुश हो जाएगी। तो अभी तो ये कानपुर का व्यू चल रहा है, और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं गुवाहाटी कामाख्या मैया के दर्शन करने के लिए। और ये हमेशा जाते हैं, हमेशा, काफ़ी साल हो गए इनको, हर साल एक बार माथा टेकने ज़रूर जाते हैं मैया के दरबार में। कामाख्या मैया के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, और प्राचीन शक्तिपीठ है और बहुत ही ज़्यादा आस्था है लोगों की वहाँ पर। मैं भी कई बार जा चुकी हूँ, काफ़ी बार जा चुकी हूँ, बट ना इस बार ये अकेले ही जा रहे हैं। बीच में ये 2-3 साल ये जो रहा ना, तो कहीं पे भी नहीं निकल पाए थे हम लोग, यहाँ तक कि ये गुवाहाटी भी दर्शन करने नहीं जा पाए थे। और अभी देखिए ये ट्रेन में बैठ चुके हैं, और कानपुर से इन्होंने जो NJP तक का कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया हुआ था, और ये गए हुए हैं ना, तो मैंने इन्हीं से कह दिया था कि आप छोटी छोटी क्लिप्स बना लीजिएगा, तो हमेशा के लिए एक मेमोरी यूट्यूब पे सेव हो जाएगी। तो जितना पॉसिबल हुआ इन्होंने कैप्चर किया हुआ है, और मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा बिहार भी ख़त्म हो चुका है, आ चुका है न्यू जलपाईगुड़ी। तो अभी आप लोगों को लिखा हुआ भी दिख जाएगा। और यहाँ की आप ग्रीनरी देखिए, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर, हरियाली ही हरियाली मिलेगी यहाँ पर। कहीं पर भी आपको बिल्कुल भी सूखा नहीं मिलेगा, कोई भी पेड़ एकदम से आपको ड्राई नहीं मिलेगा, सिर्फ हरियाली और पानी ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत जल्दी मानसून आता है, और बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का, बहुत ही अच्छा। और बस मुझे अफसोस है कि इस बार मैं नहीं जा पाई हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जाऊँगी। तो अभी यहाँ पर ये पूरा व्यू चल रहा है रेलवे ट्रैक का, और सारा कुछ मेरे हस्बैंड ने ही सूट किया हुआ है, क्योंकि वही गए हुए थे अपने करीब दो तीन लोगों के साथ। ये गए हुए थे मेरे जेठ, गए हुए थे मेरे नंदोई, गए हुए थे और मेरे हस्बैंड गए हुए थे, तो ये सब लोग साथ में गए हुए थे। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा व्यू लगता है, मैंने सोचा लाइए आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, और हमेशा के लिए यूट्यूब पर एक मेमोरी भी हो जाएगी। तो चलिए, कानपुर टू गुवाहाटी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। कैसी लगी वीडियो आपको आज लोगों की, आज की ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और फिलहाल आज तो मैं आपको पूरी जर्नी दिखा रही हूँ, तो रास्ते का जितना भी व्यू है सारा कुछ शेयर कर रही हूँ, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ में कामाख्या मैया का और वहाँ का गुवाहाटी का जो जहाँ जहाँ ये लोग गए थे ना, सारा कुछ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, वेलकम टू गुवाहाटी। तो गुवाहाटी आ चुका है, और यहाँ का व्यू देखते जाइए आप लोग। और आने वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ में चाय की खेती, चाय के बागान, मखाने की खेती, सब कुछ शेयर करूंगी, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो चलिए, मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और आप लोगों को व्यू अच्छा लगे हो, ब्लॉग अच्छा लगे हो, तो लाइक करें बिना मत जाइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए, वॉच कीजिए मेरे ब्लॉग को। नज़ारे इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं, इतने ज़्यादा मन को लुभा जाते हैं ना, तो लगता है कि इनको देखते ही रह जाए। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा है गुवाहाटी की तरफ का, और इतनी ज़्यादा हरियाली है वहाँ पे, लगातार एक तो बारिश होती रहती है, और मतलब ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, और वहाँ के जो ना वुड
लकड़ियों के बने हुए झोपड़े और मकान होते हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इस तरह की ना जो नज़ारे होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम गुवाहाटी गई हुई थी अपनी लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम गई हुई थी, सबसे पहले शादी के बाद मैं गुवाहाटी ही घूमने गई थी कामाख्या मैया के दर्शन करने के लिए। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची थी ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं पागलों की तरह ट्रेन में उछल रही थी वहाँ के नज़ारे देखकर। इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने ना हमेशा टीवी सीरियल में या मूवी में ही देखा हुआ है लकड़ी के बने हुए मकान, बेम्बू जो होता है ना, तो बांस के बने हुए। तो जब रियल लाइफ में मैंने देखा ना, तो आप समझ नहीं सकते, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी उस समय। और बहुत ही ब्यूटीफुल सीन लग रहा था देखने में। और अभी ना चाय के बागान भी आप लोगों को दिखेंगे, ये देखिए, और इतना अच्छा लग रहा है देखने में, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और मैंने ये जो वीडियो है ना, ये YouTube पे सिर्फ और सिर्फ एज अ मेमोरी के लिए ही मैंने शेयर की हुई है, क्योंकि मुझे ऐसे सीन बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप आप लोगों को भी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, कानपुर टू गुवाहाटी जर्नी। और ये देखिए, जो इस तरह से ये जो रेल का है ना, एकदम टर्न होके, सॉरी ट्रेन टर्न होके एकदम से थोड़ा सा मूवमेंट में दिख रही है ना, कि टर्न हो रही है थोड़ी सी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मुझे इस तरह के जो नज़ारे हैं ना, बहुत ही बेहद पसंद आते हैं, बेहद लुभाते हैं मुझे। अभी इसमें ये जो चाय के बागान है ना, नेक्स्ट पार्ट में भी मैं आप लोगों के साथ में पूरा कायदे से शेयर करूँगी। आ गया है हमारा गुवाहाटी, तो जय हो कामाख्या माई की। और जो कामाख्या माई का जो टेम्पल है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी। और ऐसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये रेलवे ट्रैक और ये हरियाली बहुत अच्छी लग रही है। हरियाली तो हर जगह देखने को मिल जाती है, मेरे घर के सामने भी देखने को मिल जाती है, बट यहाँ की जो हरियाली है ना, वो वाकई में मन को लुभा जाती है। बहुत अच्छा व्यू है रास्ते का यहाँ का। और पर्सनली गुवाहाटी भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। मैं ना मोस्टली एरिया उधर के घूम चुकी हूँ, बट अभी तक कंप्लीट नहीं घूम पाई हूँ। और जब जाती हूँ तब काफ़ी ज़्यादा घूमती हूँ, हर एक नए जगह जाती हूँ। लेकिन जब मैं घूमने जाती थी ना, तब मैं YouTube पे नहीं थी, और जब से मैं YouTube पे आई हूँ तब से मैं कहीं घूमने नहीं गई हूँ। ऐसा होता है ना, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, जो चीज़ें मैं मेरे संग हमेशा रहती थी, जब से मैं YouTube पे आई वो सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, और ऐसे ना एकदम शांत वातावरण और साफ़ सुथरी जगह और इतनी ज़्यादा हरियाली, बहुत अच्छी लगती है। अभी ना जब ये गुवाहाटी गए हुए थे, तो वहाँ पे आज शाम असमिया लैंग्वेज में ही सॉन्ग भी चल रहा था, लेकिन मैंने वो ना उसको म्यूट कर दिया था, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। तो चलिए आप लोग भी इन्जॉय कीजिए, और मैं तो इन्जॉय कर ही रही हूँ।